नमस्कार भाई बंधु, माता बहनों, साधकों, मैं सबसे नमस्कार करता हूँ और आप लोगों के लिए आज अपने चैनल पर एक अनूठी जानकारी लेकर के आया हूँ। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये है, और पूर्ण जानकारी आपको इसके बारे में मैं दूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा सियार सिंघी, जिसको कि गीदड़ सिंघी भी कहते हैं। आज मैं आपको सियार सिंघी के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होती है, कैसे मिलती है और इसका प्रयोग कैसे होता है। सियार सिंघी जो होती है, ये जो सियार होते हैं, गीदड़ जो होते हैं, इनके सर के ऊपर एक हड्डी सी उभर आती है। कोई कोई बहुत बिरले ही जो होते हैं सियार, सब सियार के अंदर नहीं होती है, कोई बिरले ही सियार होता है। जिस प्रकार से कोई कोई हाथी के गजमुक्ता होता है, उसी प्रकार से किसी किसी सियार के सर पर ये सींग निकल आती है, उसी को सियार सिंघी कहते हैं। और ये एक दुर्लभ वस्तु है, फिलहाल मिलती है लेकिन असंभव तो नहीं है, लेकिन दुर्लभ है, ज़्यादातर नहीं मिलती है। ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो होते हैं आदिवासी लोग, ये लोग इनकी पहचान करके उसको निकालते हैं, फिर ला करके बेचते हैं। सियार सिंघी में इतनी ताकत होती है, यदि उसको प्राप्त कर लिया जाए और ओरिजिनल सियार सिंघी मिल जाए और उसकी सिद्ध कर लिया जाए, तो उस सियार सिंघी को ले करके आप जिस कार्य के लिए घर से अपने निकलेंगे, वो कार्य आपका बन जाएगा, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। यदि आप अपनी ससुराल जा रहे हैं, आपकी स्त्री नहीं आ रही है, आप उसको लेकर के जाएंगे, आपकी स्त्री आने के लिए तैयार होगी। यदि आप उसको लेकर के कोर्ट कचहरी में जाते हैं, तो आपकी बात सुनी जाएगी और मुकदमा जो होगा वो आपके पक्ष में होगा। यदि असली है सियार सिंघी और उसको सिद्ध कर लिया जाए, तो उसको लेकर के जिस कार्य के लिए जाया जाएगा वो सारा कार्य आपका हो जाएगा, बशर्ते उसको सिद्ध करने की बात है और ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में मार्केट में, बाजार में बहुत सी डुप्लीकेट सियार सिंघी आती है, लेकिन उससे आदमी को लाभ नहीं होता, इसलिए उसका विश्वास उठ जाता है। तो इसको जहाँ से भी प्राप्त करें, आप उसकी बिल्कुल परख कर लें, जान लें। क्योंकि सियार सिंघी की परख ये होती है कि इसमें जो है बाल बढ़ते रहते हैं, सियार सिंघी की ये पहचान होती है, बाल बढ़ते रहते हैं और ये सिंदूर खाता है। सियार सिंघी का सबसे बड़ा काम ये होता है कि इससे बसीकरण, सबसे भयंकर बसीकरण होता है, यदि इसको सिद्ध कर लिया जाए तो। ये बसीकरण के कार्य में बहुत ही आगे है, इससे कोई भी चाहे जितना हो, ये बसीकरण में पूरा लाभ आपको देगी। और यदि इसको लेकर के आप युद्ध क्षेत्र में जाते हैं या किसी शत्रु से मुलाकात करते हैं, शत्रु आपके ऊपर हावी होने वाला होता है, तो वहाँ पर शत्रु की मति भ्रष्ट हो जाती है। ये सियार सिंघी की एक बहुत बड़ी खूबी है, लेकिन बस लेकिन जहाँ लग जाता है कि सही होनी चाहिए और सिद्ध होनी चाहिए। सियार सिंघी के लिए आप लोग प्रयास करें, देखें, यदि सियार सिंघी मिल जाए तो उसको सिद्ध करने का तरीका मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। सियार सिंघी को पाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, जो ये आदिवासी होते हैं वही इसको ला पाते हैं, क्योंकि वो लोग ही इसको मारते हैं। मैं किसी की जान लेने की बात नहीं करता हूँ, मैं हत्या को वरीयता नहीं देता हूँ, लेकिन विधान है, मैं वो बता रहा हूँ, जानकारी के लिए आप जान लीजिए। ये सियार सिंघी डिब्बी में रख करके उसमें सिंदूर रख दिया जाए, कामया सिंदूर रख करके सिद्ध करके हमेशा अपने पास रखा जाए, तो आदमी की आर्थिक वृद्धि हमेशा होती रहती है, वो जहाँ जाएगा उसका कार्य बन जाएगा। यदि वह कोई व्यवसाय करता है तो उसका व्यवसाय में उत्तरोत्तर लाभ होगा, वो व्यवसाय उसका दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। उसको आप हमेशा अपने पास में रखें, कोई भी व्यवसाय हो, चाहे जैसा व्यवसाय हो, उस व्यवसाय में आपको दिन दूनी रात चौगुनी आपकी उन्नति होगी। और इस सियार सिंघी का प्रभाव और भी कई हैं, जो कि आने वाले वीडियो में बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बस यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। और यदि हमारी जानकारी से आपको कुछ लाभ मिला हो, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस जानकारी को शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और शेयर हमारे बल को बढ़ाता है। हमें विश्वास होता है कि हाँ, हमसे लोग जुड़े हुए हैं। इससे मैं और अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों को दूंगा। मेरे चैनल पर जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो सही मिलेगी, सटीक मिलेगी। बाकी लोगों की बात मैं नहीं करता हूँ, मुझको जितना ज्ञान है, मुझको जो जानकारी है, हमारे गुरु महाराज जो बंगाल के हैं, मैं लगभग 17-18 साल उनके चरणों में रह करके हमने यह ज्ञान प्राप्त किया है और आज यह ज्ञान मैं समाज को दे रहा हूँ कि समाज भी इससे लाभान्वित हो। और जब उनको लाभ मिलेगा तो उनकी अंतरात्मा से हमको आशीर्वाद मिलेगा। उसी आशीर्वाद के लिए मैं यह अथक परिश्रम कर रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ रहें और हमारा साथ दें। हमारे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा बल बढ़ेगा। मैं समझूंगा कि हाँ ठीक है, हमसे इतने साधक जुड़े हुए हैं, इतने भक्त जुड़े हुए हैं, तो मैं अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों को दूंगा और जो भी ज्ञान दूंगा वो सही और सटीक होगा। यदि कहीं पर कोई दिक्कत हो तो हमसे आप कमेंट करें, हमारे ईमेल पर आएँ आप। नमस्कार साधकों।